सामने के नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ ज़मीर ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज हम एक ऐसे यंग बिजनेसमैन के पास आए हैं जिन्होंने अपनी मिसाल का अनोखा एक बिज़नेस शुरू किया, और आप देख के और हैरान हो जाएंगे। इन्होंने 2 साल कबल ये बिज़नेस शुरू किया छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, आज माशाल्लाह ताला ये अपनी शिपमेंट मंगवा रहे हैं, ये बर्ड्स का बेसिकली काम कर रहे हैं। हम साथ साथ डिटेल्स आपको बताते जाएंगे। हम आज मौजूद हैं दानिश आरिफ साहब के साथ, इनसे हम पूछेंगे कि इन्होंने कब और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिज़नेस शुरू किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और उसके अंदर इन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, और आज ये किस लेवल तक अपना काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दर्श भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी शुक्र अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा टाइट शेड्यूल चला था आपका, आपने उसमें इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। अच्छा दर्श भाई, बताएगा कि कब आपने अपने बिज़नेस का स्टार्ट किया और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया? बिज़नेस का स्टार्ट तो हमने किया था 2019 में किया था, फरवरी में, जब मैं उमरा करके वापस आया था। तो उसके बाद मतलब जब वापस आया तो भाई ने आगे जो है वो पॉलिश ली है फैंसी कोट में, तो वो रखी हुई थी। तो मैंने उसे पूछा कि क्या मतलब इसका आप लेके आ गए, वो कहता यार हम इसका ना काम करेंगे। तो तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, तो वो फिर इस तरह हुआ कि उसने कहा कि यार हम इसका काम करेंगे। वो खैर एक्सपायर हो गई फीमेल्स, वो फीमेल्स एक्सपायर हो गई, मेल रह गया, वो सेल कर दिया। उसी से फिर हमने जो है थोड़ा सा और शौक पैदा हुआ कि यार इम्पोर्टेड जो है ना जो आगे जनरेशन होती है उनके बच्चे लेके ना, तो वो मतलब उनकी जनरेशन में जो उसका चलो ट्रायल सेट लेते हैं। वो 45,000 जो हमारी मेन इन्वेस्टमेंट थी जिसको कह सकते हैं, उसका हमें ट्रायल लिया। गोल्ड पार्ट्रिज ब्रामा भी ब्रीड है, उससे स्टार्ट किया अपना। 2000 से 2500 के दरमियान उसका पार्ट्रिज चिक्स सेल होता था, उसको सेल करना शुरू किया। फिर अपनी वो पेमेंट रिकवर की, मतलब एक मंथ के अंदर अंदर हार्डली हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट रिकवर कर ली। उसके बाद एक और ट्रायल लिया गोल्डन मिस्ट को चीन का, वो भी इम्पोर्टेड ब्लड लाइन का था, उसमें भी इसी तरह किया 45 का ट्रायल लेके 3500 तक का चिक सेल होता था उसका, ठीक है। तो इसी तरह हमने उससे भी अपनी जब इन्वेस्टमेंट क्लियर करवाई तो फिर इस तरह शौक पैदा हुआ हमें और ज़्यादा, कि जब पता चला कि यार इस काम में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो क्योंकि सारी अभी इस टाइम एट द मोमेंट जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो किसी और बिज़नेस के बारे में तो नहीं मुझे इतना पता, लेकिन इस बिज़नेस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इस बिज़नेस में इस टाइम इस तरह आवाम इन हो रही है कि जिस तरह के शायद ही अब देखा होगा आपने COVID-19 में किस तरह जो है वो हर लोग ऑनलाइन की तरफ गए हैं, ऑनलाइन, हाँ, तो वो लोग यही था, हर बंदा ही बिज़नेस में जो है वो बेचारा मार खा रहा था कि पता नहीं मेरा बिज़नेस ये हो गया, मेरा बिज़नेस ये हो गया। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही कहूँगा कि जब COVID-19 स्टार्ट हुआ था, उस स्टार्ट में मैंने कितना मतलब पीक पे था कोरोना वायरस, लेकिन तब भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 लाख के चिक सेल किए थे जब मैं शिपमेंट मंगवा चुका था, ठीक है। तो वो हार्डली मैंने 3 से 4 ब्रीड्स के जो है ना मैंने चिक्स सेल किए माशाल्लाह, और 580 या इस तरह करके कुछ 6 लाख के दरमियान जो है ना मैंने 1 महीने के चिक्स सेल किए। तो वो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह मैंने अपना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर मैं जब इम्पोर्टेड के अंदर गया, जब वो 45,000 के ट्रायल्स के बाद इम्पोर्टेड के अंदर गया, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी इम्पोर्टेड में थी 3.5 लाख की। 10 बर्ड्स मैंने परचेज़ किए 3.5 लाख में इस्लामाबाद से। तो उसी रात जो है फिर मैंने मेरे जहन में आया कि मैं गाड़ी में भी वापस आ रहा था इस्लामाबाद से कि यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है तो मैं क्यों ना मतलब अपनी शिपमेंट मंगवा लूँ। मेरे जहन में यही था कि यार शिपमेंट को अलग, तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लाख 10 लाख रुपए का चलो होगा बिज़नेस, लेकिन वो मेरे वहमो को मान में नहीं था कि मैं कितने बड़े जो है वो दरिया में छलांग मारने लगा। तो वो इसी तरह हुआ कि मैं उसी रात एक ब्रीडर, काफ़ी मैंने मेहनत करके उसी रात काफ़ी 3-4 घंटे जागने के बाद मैंने एक ब्रीडर ढूंढा पोलैंड से, ठीक है, उसके साथ रब्ता किया, उसने मुझे वो उसी तरह टैकल किया, उसे शायद पता चल गया कि यार ये न्यू कमर है। हाँ। अब मेरे जहन में जो वैमो गुमान था कि इतना शिपमेंट चार्जेस होंगे, ये होगा, मैं पाकिस्तान में सबसे कम बर्ड बेचूँगा, ठीक है, तो मतलब कम रेट पर बर्ड बेचूँगा, तो वही हुआ, उसने मुझे उसी तरह टैकल किया जो मेरे जहन में चल रहा था ऑटोमेटिकली, माइंड स्टडी कर लिया। तो वो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया, लेकिन उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है। फिर वो मुझे वो 7 से 8 लाख की शिपमेंट, क्योंकि मेरे तकरीबन 4 से 5 लाख की एडवांस बुकिंग पकड़ चुका था लोगों से, पहला बिजनेस था, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि यार मैं इतना बड़ा काम करने लगा। तो वो खैर मैं एडवांस पकड़ चुका था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं अब हर तरफ से परेशान, मेरी पेमेंट 8 की 8 लाख फंसी हुई मेरे लिए, जो भी कर चुके थे हम सारी की सारी पेमेंट करवा चुका था मैं उसे,
तो वो फिर खैर मैंने एक भाई से डिस्कस किया, तो भाई ने फिर जो है मुझे बैकअप किया कि यार कोई नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं, तो आप कोई और बर्ड जो है ना इसमें ऐड करो। जो मतलब उसने जो मुझे बर्ड्स भी देने थे वो भी किसी काम के नहीं, वो इस तरह के बर्ड्स थे कि बंदा पूछे कि मतलब उन पे जितना शिपमेंट चार्जेस थे ना उतने तक नहीं क्लियर हो रहे थे, जितने के मुझे पड़े थे वो उतनी प्राइस में भी नहीं क्लियर हो रहे थे, इस कदर वो मतलब उल्ट पटांग पता नहीं जीप सी ब्रीड्स थी वो। अच्छा तो वो फिर मैं यही था कि सब मतलब मुझे बोलने लग गए कि यार बड़ा भाई भी अब्बू भी मतलब इस तरह के नज़रें नहीं कोई मिलाता था कि यार इसने क्या कर दिया 8-10 लाख की पेमेंट एवं मतलब ना कोई एक्सपीरियंस तो ऐसे पिसा के बैठ गया। तो मैं और ज़्यादा टेंशन में आने लग गया, रात ज़्यादा ज़्यादा देर तक जागने लग गया कि यार किसी तरीके कोई रास्ता मिल जाए मैं इस बंदे को पकड़ूँ, किस तरह पकड़ूँ मैं, कोई मुझे वो रास्ता नहीं निकल रहा था। तो वही हुआ फिर एक दिन जो है वो रात को मैं मतलब काफ़ी 4 या 5 बज गए मुझे रात को, फिर एक बंदा मुझे मिला, उसने मुझे आगे जो है ना इसका बताया कि यार इसको मैं जानता हूँ किस तरह टैकल करना है। फिर वो उसने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की उस प्रॉब्लम में। फिर इस तरह हुआ कि उसने फिर हमें मतलब आया प्लान पे आया कि हाँ मैं आपको बर्ड्स देता हूँ, जितनी भी आपकी पेमेंट थी उसके मैं बर्ड्स देता हूँ। हालांकि मेरी तकरीबन 70% अमाउंट के रैबिट्स थे जो मैंने किसी पार्टी के बुकिंग हुए हुए थे, उसने मुझे उस अमाउंट के भी मुर्गी ही दे दी जो उसके पास जिस तरह मेरे पास जब फेर रही हैं देसी वगैरह कुछ भी जो था उसने दे दिया, उसने जो था उस अपनी पेमेंट क्लियर करने के लिए दे दिया। तो वो फिर इस तरह मुझे उस इतनी बड़ी शिपमेंट को मतलब उस छोटी सी अमाउंट को क्लियर करने के लिए 8-10 लाख की अमाउंट में क्लियर करने के लिए, वो फिर भाई ने मेरे पीछे खड़ा होकर जो है ना 70-80 लाख हमने फिर उसमें इन्वेस्ट किया उस 7-8 और वो समझे कि 4.25 लाख नुकसान ही था हमारा। तो वो इसी तरह हुआ क्या उसको कहते हैं, फिर मैंने ये मैं बड़े लोग इस तरह सोचते हैं मेरे जिस तरह मैं सोचती मेरी इसी तरह बाकी भी लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं ये शिपमेंट मंगवाना कितना आसान है, ये वो है, पता नहीं कितने लोग क्या 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 कमा रहे हैं। तो वो मैं उनके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स हैं चीज़ें हैं, जब तक आप इन नहीं होते तब तक आप बिल्कुल। तो मैं उनको यही कहूँगा कि जब तक आपके पीछे 1 या 1.25 करोड़ खड़ा नहीं है ना आपके बैकअप पे तो आप भाई कुछ भी नहीं हो, आप इस काम में अगर एंटर होते हो तो आपके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए अगर शिपमेंट इंपोर्ट करनी है। हाँ जी शिपमेंट मतलब ये उस उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि मतलब जिस तरह मैं था ना मेरे दिल में एकदम आ गया कि यार पता नहीं कितना आसान है मंगवाना, तो इस तरह आप मतलब एक प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए आपके भेजे तो भाई थे अल्लाह तआला ने एक सोर्स बना दिया। तो इसी तरह मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आप बड़े से स्टार्ट लेने की बजाय छोटे से स्टार्ट लो, ट्रायल लो, ब्रीडर ट्रायल ले लो, नहीं अगर वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते चिक से स्टार्ट करो, आप देखो कौन सी ब्रीड मार्केट में इन हो रही है। मैं सबको मतलब जो न्यू कमर्स होते हैं मोस्टली को मैं मतलब गाइड भी करता हूँ कि यार ये चीज़ इस मार्केट में इन हो रही है, आप इसके चिक्स लो या कि इसका ब्रीडर परचेज करना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उनकी इन्वेस्टमेंट तो आप से लेते हैं कि क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। मैं मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ ना कि क्योंकि मैंने साथ में प्रोडक्शन भी करनी है, चिक्स भी मैंने सेल करने हैं, मैंने साथ में ब्रीडिंग भी करवानी है, साथ में उनको मतलब ब्रीडिंग बर्ड्स को कोई मांग भी लेता हूँ उससे तो मैं सेल भी करता हूँ। इसीलिए फिर मेरे अंदर वो मतलब अब इस टाइम जो है जो टॉप ऑफ द लिस्ट चल रही है चीज़ वो शामूस चल रहा है। ठीक है अभी मैंने शामूस के रिसेंटली सिर्फ मतलब जिसको आप कह सकते हैं ये जो मेरी शिपमेंट के बर्ड्स हैं इसमें तकरीबन 1 महीने जो लास्ट महीना है उसके मैंने 10 लाख के खाली चूज़े शामूस के बेचे हैं माशाल्लाह। ठीक है अभी नेक्स्ट मंथ की वो 2-3 लाख की अभी और बुकिंग हो चुकी हुई है, बुकिंग पे मेरा सारा चीज़ा सेल हो रहा है। तो मैं जिसको भी मशवरा देता हूँ क्योंकि अभी शामूज मार्केट में इन है, अच्छा शामूज हो आपके पास अच्छी अर्निंग कर सकते हैं शामूज से। ठीक है 8-10,000 तक चिक्स सेल अगर हो, आपने 2,20,000 का ट्रायो अगर किसी से परचेज किया हुआ है, मुझसे नहीं भी करते किसी से परचेज किया हुआ है, 2,20,000 का अगर आप ट्रायो परचेज करते तो वो 80,000 आपको एक फीमेल 10 चिक्स में से देती है। ठीक है 10 चिक्स अगर आपके पास 20 चिक्स होते हैं तो इसका मतलब है तकरीबन आप 1,50,000 20 चिक्स में से उसके कमा सकते हैं। मैं हर बंदे को उसके मैार के मुताबिक गाइड करता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम में भी ना पड़े, तो वो सारे प्रॉब्लम्स देखी ना कि किस किस तरह से सारे। मेरी यही ख्वाहिश होती है कि यार जिस तरह मैं मतलब इस प्रॉब्लम में और ना गुजरे। ठीक है तो धनुष भाई इसमें किस किस ने आपको सपोर्ट किया जब ये बिजनेस शुरू किया? जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया तो मेरा इधर जो भाई था ना वो इन्वेस्टमेंट करता था 45,000 इन्वेस्टमेंट सारी उनकी होती थी
तो मतलब मैं उनके साथ मिलकर ना उनको मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह सारी मैं करता था और चिक्स डील वगैरह सारी मैंने करनी, इन्वेस्टमेंट सारी वो करते। एडवर्टाइजिंग किस किस तरीके से करते थे आप? एडवर्टाइजिंग मैंने हर प्लेटफॉर्म पे कर दी। अगर आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ी, जिधर इंस्टाग्राम, फेसबुक, OLX, कोई चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कितना ग्रुप ऐड हुआ होता है, 150 से 200 ग्रुप्स तो खाली मेरे पास ऐड हुआ होगा, इससे ज़्यादा ही ग्रुप्स हैं बोल्ड में भी इसी तरह ही बेतहाशा ग्रुप्स ऐड हुए हैं। तो वो आप इसी तरह ही है कि आपने अगर कोई भी मतलब काम मतलब कोई बिजनेस करना है तो उसको एडवर्टाइज आप इतना कर दें कि मतलब आपका पैगाम पूरे पाकिस्तान में कम अज़ कम जाए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जगह, बेशक मैं मतलब किस लेवल पे माशाल्लाह अभी खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी स्टिल अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं छोड़ता। मैं एडवर्टाइजिंग बैकबोन है, बिल्कुल एडवर्टाइजिंग करता भी मैं खुद हूँ, ठीक है। फ़ोन कॉल्स भी मैंने खुद सुननी होती हैं क्योंकि जो मैंने डील कर पानी है वो किसी और को उस तरह पेमेंट तो मेरी लगी भी है ना, इन्वेस्टमेंट मेरी आपको किसी और को, वो किसी और को नहीं हो सकती। आपकी ज़िंदगी की जो आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिसको आप आइडलाइज करते हैं, जिसको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा? एक बंदा होता ना कि मैं यार ये मेरी ज़िंदगी का एक हीरो है, हर बंदे की इंसान की ज़िंदगी में एक हीरो होता है। यार मेरी ज़िंदगी में उस टाइम जो सबसे बड़ा हीरो मेरे लिए बना था वो मेरा बड़ा भाई था जो बाहर, वो उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं मतलब खाना पीना भूल गया हुआ था मुझे, रात रात सुबह 7-7 बजे होते थे, मुझे पता ही नहीं होता था कि यार मेरे साथ मतलब मुझे कोई बंदा ही नहीं मिल रहा होता था कि यार मैं किस तरह इस मामले को क्लियर करूं, किस तरह मैं पेमेंट क्लियर करूं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको लेके, इस बिज़नेस को लेके कहां तक सोचा हुआ आपने कि कहां तक लेके जाना है इसको? फ्यूचर प्लान्स तो अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आप जब देखेंगे सारा सेटअप आपने दिखाया ही होगा व्यूअर्स को, तो मेरा फ्यूचर प्लान्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाइल्ड लाइफ की तरफ ही जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इस बिज़नेस में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र का एहसान है कि बहुत कुछ दिया है माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं तो अपने आप को और जो है वो ग्रूम करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ शामूज में, ठीक है, शामूज का इंशाल्लाह जब तक ट्रेंड रहता है पाकिस्तान में तब तक शामूज में काम करूँगा, और फ्यूचर में इन फ्यूचर मैं मतलब वाइल्ड की एनिमल्स वगैरह, कैट्स होगी, पैरट्स हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, और ये डियर्स होती हैं, लामाज, अल्पाकाज वगैरह जो बड़े जानवर होते हैं, तो उनमें भी इंशाल्लाह फ्यूचर में काम। जब शिपमेंट मंगवाते हैं तो उसमें कुछ क्लियरेंस में प्रॉब्लम फेस होते हैं आपको किसी तरह के? क्लियरेंस में तो प्रॉब्लम्स तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होते, क्योंकि जब पैसे आप दोगे तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होगी? आपने कस्टम एजेंट है, आपने अच्छा एक बंदा कोई भी रखा हो, ठीक है, जो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आती है उसके साथ, हालांकि फिक्स्ड अमाउंट होती है लेकिन फिर भी वो फिक्स्ड नहीं होती, बाद में वो जीप जीप तरह के बताने लगे थे ये भी चार्जेस बढ़ गए, फिर देने पड़ते हैं। जिन्होंने काम करना होता है, बिज़नेस करना होता है, वो फिर छोटी मोटी चीज़ों को नहीं वो देखते, तो वो जितनी भी अमाउंट होती है फिर तो वो पहले पे करें तो आपकी आधे घंटे घंटे में शिपमेंट क्लियर हो जाए। लास्ट पे आपको मशवरा यंग है यंगस्टर के लिए मोटिवेशनल पैगाम, एक बिज़नेस को या लाइफ को किस तरह से लेकर चलें, उनके लिए एक दो मिनट का भी आप पैगाम देना चाहें? यंगस्टर्स के लिए मैं तो यही पैगाम दूंगा, अभी मैं खुद माशाल्लाह 21 हूँ से, ठीक है, अब मैंने 19 में ये काम शुरू किया, मैं सब जो यंगस्टर हैं उनको यही कहूँगा कि यार जो आप अपनी लाइफ को ज़ाया कर रहे हैं ना, यही आपका जो है वो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको आप ज़ाया कर रहे हैं, जिसमें आपने कुछ कर पाना है, बाद में जाके आप सिर्फ पछतावे लोगे और कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। अभी आप लोगों के जहन में मोस्टली मेजोरिटी जो यंगस्टर्स हैं उनके जहन में यही है, हम पढ़ लिख जाएँ और बाद में कोई अच्छी नौकरी करें। मैं यही कहूँगा सब भाइयों को, दोस्तों को, कि यार इन नौकरियों में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, नौकरियों के अलावा आप अपने आप को ग्रूम करो, आप देखो, रीड करो माशरे को कि यार इसमें कौन सा जो है वो बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस जो है वो आकल इस्लाम का भी फरमान है कि तजारत में जो है वो बहुत बरकत है, ठीक है। तो वो ना आपको किसी चीज़ की किसी की बात सुननी पड़ती है, आप अपना काम कर रहे हो, ना कोई टेंशन है, इस एज में आप जो है वो अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है, आप अपने आप को इस फील्ड में लेके आओ, किसी भी बिज़नेस में हल्के से स्टार्ट करो, आप अपने आप को साथ साथ स्टडीज़ भी करो, ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब स्टडी बंदा छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को स्टार्ट करो, ठीक है, स्टडीज़ साथ साथ रखो, लेकिन कोई स्मॉल बिज़नेस रखो साथ, फिर आप उस बिज़नेस को ग्रूम करो, को जो है वो पॉलिश करो, ठीक है, जैसे वो आपको पता चले कि वो एक लेवल पे पहुंच गया, फिर आप जो है वो फुल टाइम उसको इन्वॉल्व हो जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत इतने टाइम दिया अपना,
और व्यूवर्स आज देखेंगे दानिश भाई 21 एज के अंदर माशाल्लाह अपना एक प्रॉपर बिजनेस लेके चल रहे हैं। तो मेरा भी एक पैगाम है तमाम व्यूवर्स के लिए कि कुछ सोचें, कुछ करें, लेकिन कुछ करें। तो इस तरह की मोटिवेशनल रियल जीरो टू हीरो स्टोरीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी बंदे की ज़िंदगी बदल सकती है किसी एक आइडिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम। खुशकिस्मती से जो दानिश भाई के हीरो हैं लाइफ के वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो इनसे भी बात करने का मौका मिलेगा और ये भी अपना व्यू ऐड करेंगे इसके अंदर कि बिज़नेस किस तरह से और कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको इनकी तरफ लेके चलता हूँ और इनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। अस्सलाम सर, वेलकम आपको करते हैं सबको। सर आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने भी हमें मौका दिया बातचीत करने का, और हमें अक्सर हम आपको टिकटॉक पर भी लिखते रहते हैं और यूट्यूब पर भी आप बड़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो सर इसमें अपना व्यू एक ऐड कीजिएगा, अगर बिज़नेस शुरू करना है तो कितने इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं, इन नौजवान सुन रहे हैं, मैं इनको कहूँगा आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, लोगों ने कहा कैसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल तो हर बिज़नेस का मेन चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि पैसा अगर आपके पास नहीं है ना, जज्बा है ना, तो आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जज्बा नहीं है ना, तो पैसे तो कई करोड़पतियों के बच्चे होते हैं, वो नाकाम क्यों होते हैं? उनके पास विजन नहीं होता, उनके पास जज्बा नहीं होता। तो जिसके पास पैसा नहीं है, मैं नौजवानों को कहूँगा, आप जब सवाल आगे चल के पूछेंगे कि अली भाई कितनी इन्वेस्टमेंट से लो इन्वेस्टमेंट से मेरे दिमाग में प्लान है कि विद इन अ वन ईयर आप 10 लाख से में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मैं नाम नहीं मेंशन करता, मेरे एक दोस्त आए हुए हैं मेरे पास अभी, बड़े पुराने मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो मुझे उन्होंने अभी पूछा कि मुझे कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए। उसने कहा एक्स जो होते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर किसी के पास 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख में वो जो ये जो शामू की ब्रीड है एक, इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस में है, तो इसका जो एक चिक होता है ना, वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये में बिकता है। और हमारे पास कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो एक्सपेंसिव हैं, उसका चिक्स हम 15,000 में भी बेचते हैं। अगर देखें, आपने एक ब्रीडर ले लिया 2.5 लाख रुपए का, अब ये जो एक मुर्गी है वो तकरीबन महीने के 15 अंडे आप लगा लें उसके देगी, दो मुर्गियां वो 30x दोगे। 30x को अगर आप एग्स ही सिर्फ बेचना चाहते हैं ना, तो 5,000 रुपीज़ का एक एग है, 150,000 हो गया। मैं कहता हूं जी आप एक्स ना बेचें, आप वन ईयर प्लान पे चलें, जो कि मुझे पसंद है और मैं खुद उसके ऊपर वर्किंग ज़्यादा कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप उनको आप एक साल के साथ मल्टीप्लाई करें, आप अराउंड बोर्ड का लें 300 एग्स आगे। अब 300 एग्स में से आपके पास चिक्स जो आप फिर 50% पे आ जाएं, आप मैक्सिमम पे ना जाएं, आप मिनिमम पे आ जाएं, 150 आगे। अब वो जो 150 है ना, वो आप बिल्कुल लो प्राइस पे भी बेचेंगे ना, तो 60-70,000 रुपीज का एक पीस बेचेगा। आप मल्टीप्लाई कर लें इधर बैठ के, तो वो मोर देन 10 लाख या कई लैक्स में उसको कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लान है। और अगर आपके पास 2,50,000 नहीं है, आप कहते हैं यार मेरे पास जस्ट ओनली 30,000 है, 50,000 है, 50,000 तो सबके पास है, अराउंड मेरे ख्याल भी आप 1 लाख कह सकते हैं, आप 20 या 30 एग्स ले लेते हैं, ठीक है। अब उन एग्स में से आप चिक्स को, ये हमारे पास फैसल भाई हैं यहाँ पे जो इनको सारी मेडिकेशन करते हैं, उनके पास लो इन्वेस्टमेंट थी भाईजान, उन्होंने अभी पिछले दिनों में हमारे से भी एग्स लेके गए हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने एग्स लेके 6 से 7 मंथ उनके ऊपर मेहनत की, वो ब्रीड्स तैयार हो गई, अब वो एग्स दे रही हैं। अब वो एग्स में से जो बच्चा निकलता है वो 3,000-3,000 रुपये का एक बच्चा बेच रहे हैं, और इस टाइम उन्होंने जो अपनी साइड इनकम शुरू की हुई है वो तकरीबन 40-50,000 रुपीज़ उनको मंथली आ रही है, और उनका अभी बिल्कुल स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं सारे नौजवानों को कहूँगा कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, और ये दिमाग से निकाल दें कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे मैं कहता हूँ जिसकी वैल्यू कोई नहीं है मेरे नज़दीक, और उसके पीछे दानिश चाहिए। मैं नौजवानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि दानिश का जो पहला बिज़नेस था, दानिश का अराउंड बोर्ड जो हमें कॉस्ट पड़ी थी इधर आके, तकरीबन 25-30 लाख रुपए का दानिश का पहली शिपमेंट का नुकसान था, जो पोलैंड वाली शिपमेंट थी, और उसमें इसका बच्चे का इसका कोई कसूर भी नहीं था। देखिए एक वायरस आया उसमें ना इसका कसूर है, लेकिन वो जो ब्रीडर था वो स्टूपिड आदमी था, उसने हमें डॉज किया और उसने हमारे साथ धोखा किया और जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। लेकिन माशाल्लाह दानिश ने विद इन 3 मंथ
दानिश अगेन इन द प्रॉफिट ऑफ 37 लाख रुपीस। ये कहता है मैंने सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन उसमें दानिश ने दिन रात मेहनत की है, दानिश ने अपनी रिसर्च किया, दानिश ने देखें सोशल मीडिया को मजबूत किया। आप दानिश माशाल्लाह यूट्यूब से डॉलर्स में कमा रहा है, इवन के नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन इंशाल्लाह विद इन अ 1 or 2 ईयर दानिश का जितना माशाल्लाह अभी हल्का एबाब बन रहा है, दानिश का माशाल्लाह नाम पाकिस्तान के टॉप इम्पोर्टर्स में शामिल हो गया है। और ये लास्ट डे में हमारी मीटिंग हुई और सब कह रहे थे कि जितना दानिश का सोशल मीडिया मजबूत है इतना किसी का सोशल मीडिया मजबूत नहीं है, हालांकि वो आने वाले दिनों में लाहौर का टॉप ब्रीडर है। सर देखें जिसकी वजह आप जैसे मोटिवेशन और इतने हेल्पिंग हैंड हो ना, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे ही देते हैं। हम तो चाहते हैं हर पाकिस्तान का हर नौजवान, ये छोटा मेरे साथ गया हुआ था गुजरांवाला में मीटअप था 4-5 जगह पे, तो बात करते हैं हम दिल से, क्योंकि मैं सेल्फ मेड बना हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे हलाल रोजी कमा के खिलाई, बाटा फैक्ट्री में मजदूरी करके खिलाया, उन्होंने हलाल कमा के खिलाया और हम खुद सेल्फ मेड बने। और मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा, जो मज़ा है ना वो सेल्फ मेड बनने में है। मज़ा तब है कि आपके बाप गरीबी में थे, उन्होंने आपको उस गरीबी के अंदर हलाल रोज़ी कमा के खिलाई, और मेरे बाप ने पसीने के अंदर शूज़ पीस के कटिंग पीस बना के, और यकीन जाने हैंड टू माउथ हमने अपनी लाइफ गुजारी। और मेरे अब्बू को सारे कहते थे आज साहब आप कमेटी क्यों नहीं डालते हैं, वो कहते थे कि मैंने अपने 5 बच्चों की कमेटियां डाली हुई हैं, उनकी अच्छी एजुकेशन के को दे के, इनमें से ये जब बड़े हो कि एक कमेटी भी मेरी निकल आई तो मुझे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दानिश अपनी शेप में एक कमेटी है, मैं अपनी शेप में, बड़ा भाई भी माशाल्लाह अपनी शेप में। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, नौजवान कहते हैं हमने बाहर जाना है, ठीक है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को, वो वापस यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि उनके पास सब कुछ है, पेपर्स हैं, बिजनेस सब कुछ क्लोज अप करके इसी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। और हम कैट्स के अंदर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि बहुत आउट क्लास पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि किसी के पास उस लेवल की या उस क्वालिटी की या वो ब्रीड्स नहीं होंगी जो हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू स्पेशली, थैंक्स आपका, थैंक यू। तो व्यूवर्स इस तरह की रियल सक्सेस स्टोरीज के लिए हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह सर के साथ करेंगे और इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इनके लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू।